दक्षिण अंडमान की हम्फ्रीगंज ग्राम पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। पंचायत सभागार में संकल्प यात्रा वाहन के पहुंचने पर वहां की महिलाओं ने उसकी पूजा की। जब गिनती के आवाज बनते थे, इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा प्रमिला कुमारी और क्षेत्र के प्रधान पलनी कुमार और अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूली बच्चों की ओर से स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने आने वाले वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की प्रतिज्ञा ली। 2040 आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को संगठित करेंगे। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं पर वीडियो भी लोगों को दिखाया गया। एक दशक में हर चुनौती पर जीत का परचम लहराते आए हैं। नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है। अध्यक्षा प्रमिला कुमारी ने अपनी पंचायत में इस यात्रा के पहुंचने और इस सिलसिले में कार्यक्रम के आयोजन के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। आज हमारे लिए एक बड़ा विशेष दिवस है जिसे हम पर्व के रूप में मना रहे हैं। संकल्प यात्रा हमने सुने हैं पर हमें देखने का मौका नहीं मिला। आज हमें ये देखने का मौका मिला कि संकल्प यात्रा क्या है और आज हम इसे बहुत उत्साह के साथ हमारे प्यारे मेंबर्स, हमारे गांववासी, हमारे जो यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है सबने मिलकर स्वागत किया और खूब अच्छी तरह से इसे मनाया। आज हम धन्यवाद देती हूँ खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी को, इतने सारे योजनाएं बनाए जो एक साथ आज हमें देखने का मौका मिला। और हम सभी को यही कहते हैं कि देश को, हमारे देश बहुत ऊंचाई में और आगे बढ़ाना है और 2040 तक हमें एकदम अपना निर्भर आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ये हमारा संकल्प है और हम इसके लिए सदा कोशिश करेंगे और हमारे प्यारे मेंबर्स जितने भी है सदा साथ देंगे और इसी तरह मेरे गांववासी भी ये शपथ लेते हैं कि हम सब मिलकर इस योजना को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी और सेवा केंद्र स्थापित किया गया। इन केंद्रों में लोगों को सेवाएं दी गई। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास किया। डरो मत, मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो। मैं तुम लोगों से कुछ कहने आई हूँ। तुम लोग रासायनिक खादों से, कीटनाशकों से मेरी मिट्टी को जहरीला कर रहे हो। तुम लोग सोचते हो कि इसमें सिर्फ मेरा नुकसान होगा। पहाड़ों को काटते हो, नदियों के पानी में रसायन का विष मिलाते हो। मेरा दर्द तुम्हें महसूस नहीं होता, मेरी करा तुम्हें सुनाई नहीं देती। जब मेरी ही मिट्टी जहरीली हो जाएगी तो उससे आने वाला अन्न भी तो जहरीला होगा और आने वाली पीढ़ी उस जहर को खाकर कमजोर होती चली जाएगी।
कार्यक्रम के लाभार्थियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटी हमने सरकार से किया था, जो दृष्टि से मैं किसान और हमारे मजदूर जो भी बीजा वगैरह जो भी सर मिलता है मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अनुसार जो बेनिफिट मिला है ईयरली 6,000 रुपीज 2,000 करके मिल रहा है, और एग्रीकल्चर का जितना भी स्कीम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पंचायत में आते हैं और हमारे यहाँ के किसान और बहुत सारे बेनिफिट किसान इनका लाभ उठाते हैं। मेरे पहले जमीन नहीं था, घर नहीं था, पर पीएम मोदी आवास योजना के तहत मुझे 50 स्क्वायर मीटर जमीन दिया गया। घर निर्माण के लिए 1,20,000 दिया गया और मैं घर का निर्माण किया और अभी खुश हूँ। मैं मनरेगा की एक लाभार्थी हूँ। पहले मुझे कुछ काम नहीं था, अभी मुझे मनरेगा में काम मिला है। तालाब खोलना, रोड बनाना इत्यादि काम करते हैं। हम NRSS के तरफ से ग्रुप बना के ऊपर से लोन लेकर हम लोग अपना घर में बैठ के जो मंजू मिलकर बनाते हैं और कई दिन गले रखते थे उधर के हम लोग इंटो लगा के ठीक करते हैं। अच्छा खासा मुन्ना मुन्ना होता है। गरीब महिलाओं को अच्छा मदद किया जाता है, इसलिए मैं ग्रुप से छोटी रकम का लोन लेकर मुर्गी पालन बकरी पालन करी, उससे मुझे अच्छा फायदा हुआ। तो बीच में मुझे पता चला कि CRC जो मैडम है, हम लोग गाँव का गिला मैडम जी, उन्होंने मुझे बताया कि LRM के ग्रुप होता है वो पूरा पूरी सरकारी का ही होता है, उससे तुम जोड़ जाओ। मैं जब गर्भवती हुई मैंने अपना पंजीकरण हॉस्पिटल के बाद आंगनबाड़ी सेंटर में कराया। मुझे आंगनबाड़ी सेंटर से पोषण का लाभ भी मिला। अन्नप्रसन्न कार्यक्रम में मुझे यह जानकारी दी गई कि बच्चे में अब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रकार वंडूर में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुझे ये मौका दिया गया है कि आज ये जो भारत सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा जो ये शुरू किया गया है, इसकी तरफ से इस प्रोग्राम की तरफ से हमारे सारे ग्राम पंचायतों में हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट्स जो भी अपने अपने स्कीम जो प्रोजेक्ट करते हैं, जो लॉन्च करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। सब जितने ग्रामवासी हैं सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस मौके पर उपस्थित लोगों को सरकारी योजनाओं की वीडियो दिखाई गई। सबके लिए निष्पक्ष मिले पीएम आवास, याद है ना जो घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था। किसान सम्मान निधि उन्हें रखती है क्योंकि भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर। डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार के सबसे बड़े लक्ष्य। इस कार्यक्रम के लाभार्थियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं कुछ दिन पहले हमारे गांव में खबर आए थे कि शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया दिया जाएगा, तो उसके बाद सुन के मैं पंचायत में गया, फिर पंचायत में जाके फॉर्म भरा, उसके बाद 10-15 दिनों में 12,000 रुपया मेरे अकाउंट में आए। वेटनरी से किसान कार्ड का 50,000 रुपये लोन मिला, प्रॉपर्टी बैंक से लिया, उसी से मैं बकरी पालन करके वो लोन मिला। मैं किसान परिवार का हूँ और मेरा पास जैसे 5 एकड़ खेती है, धान तो वहाँ पेडी लैंड नहीं है, हिली लैंड है,
जब भी थोड़ा सब्जी भी करता है, थोड़ा सुपारी भी, नारियल भी करता है, और ये जो पानी का बहुत ही समस्या था, तो हम लोग का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारा दीदी बनाया, उसमें उन लोग हमको जो सब्सिडी का पैसा हमको मिला। मोदी सरकार आने के बाद ये चीज़ लागू किया है। एक ऑपरेशन करने के लिए 9 लाख रुपये चाहिए, और उतना पैसा बोलने से हम लोग पास नहीं रहते, तो ये जो ऑपरेशन के लिए जो फंड देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंडूर पंचायत के प्रधान अधीर दास ने अपने पंचायत में केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम के आयोजन पर खुशी जाहिर की। आज जो प्रधान करते हैं हम लास्ट में 2014 का बाद से जो काम देखा हम, क्योंकि जो डिपार्टमेंट जो सबसे काम कर रहा है सरकार की तरफ से, जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया से काम हो रहा है। तो अंडर पंचायत का जो भी बेनिफिशरी हर डिपार्टमेंट का जो आया अभी, जैसे कि आपका फिशरी डिपार्टमेंट का रहा हो, एग्रीकल्चर से हो, वेटनरी से हो, जो भी आए सारा डिपार्टमेंट, इसलिए हम हर तरह इन लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं, मिलता भी है, ऐसा बात नहीं है। जो हमारा पंचायत में जैसे कि हर तरह बेनिफिट इन लोगों को मिल रहा है, और हम भी देखा है, क्योंकि पहले जब मेंबर कराते था उस टाइम, जो पहले 15 साल पहले का बात है, लेकिन अभी बहुत चेंज है। अभी हमारा गाँव में हर व्यक्ति रोजगार कर रहा है, बेरोजगार तो कोई है नहीं, हर कोई ना कोई जगह में रोजगार, अपना पर्सनल है वो, या बैंक का जरूर से लोन लेके कोई ऑटो खरीदता है, कोई आपका बोट खरीदता है, इस तरह हर जगह में बैंक से लोन लेके शायद करके बिना इसमें, पहले क्या होता था एक लोन लेने से बहुत कुछ करना पड़ता है, एक लोन लेने से अपना ज़मीन को गिरवी रखना पड़ता था, आज का तारीख में ऐसा नहीं है। मोदी जी सरकार जो अभी इतना सुविधा दे रहा है लोगों को, इसीलिए मोदी जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद है।